हम पांचों एक ही फ्लैट में रहते थे, एक तो पांच लड़कों को एक फ्लैट में रहना नहीं चाहिए। बॉलीवुड में अच्छा स्क्रिप्ट और स्टैंड अप कॉमेडी में जोक्स दोनों ही बेकार है। यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी में लोगों को जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है क्योंकि जोक्स के नाम पे वो खुद का ही काट रहे हैं। तो आज हम कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को रोस्ट करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे को, मैं कैमरा में पूरी आ रही हूँ। उसमें हाँ कह दिए, सरकाजम तेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहा भाई। हाँ जी वाइड में पूरी आ रही हूँ भाई साहब, आपको पैनल मत लगाना पड़ेगा, वाइड वाले शॉर्ट से नहीं होगा। और तुम लोग बोलना नहीं कि बॉडी शेमिंग कर रहा है, उस पे कुछ जोक्स बना के उसको पॉजिटिवली ले रही है। बॉडी शेमिंग ऐसा कुछ होता नहीं। और हाँ दीदी पैनोरमा भी कम पड़ रहा है। लोगों का फ्रेम खाली होता है इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है, पर यहाँ तो फ्रेम ही खाली नहीं होता। 10 लोगों के आगे खड़ा कर दो फिर भी वो 10 लोग नजर ना आए, पर अच्छा है जोक्स उस पे बनाओ जिसपे हंसी आए, और यहाँ तो रुका नहीं जाता। हम पांचों एक ही फ्लैट में रहते थे, एक तो पांच लड़कों को एक फ्लैट में रहना नहीं चाहिए। नहीं क्या लॉजिक है, पांच लोगों को एक फ्लैट में रहना नहीं चाहिए और तुम लोग इस पे हंस रहे हो। माना कि स्टैंड अप कॉमेडी है, पर ऐसा नहीं कि खड़ा होकर कुछ भी बोल दे तो जोक्स ही बन जाए। अबे स्टैंड अप कॉमेडी है, MLM का सेमिनार नहीं जो बिना लॉजिक के बकचोदी कर रहा है। पांच लड़कों को एक साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ दोस्त भी नहीं होना चाहिए। और ये पांच लड़कों को एक साथ तो दोस्त होना नहीं चाहिए, फिर तो एक हाथ में पांच उंगलियां भी नहीं होना चाहिए। अब क्या काट के फेंक दे। अबे बॉन बेटा बुद्धि, जोक ऐसा लिखना चाहिए जिसपे हंसी आए, ना कि जूता निकल के फेंकना पड़ जाए। और मुझे जोक्स पे नहीं इसके ऑडियंस पे हंसी आ रही है, मैं तो पैसा लेके इसे जोक्स पे ना हंसू और ये लोग पैसा दे के हंस रहे। को पैसा बर्बाद। कॉलेज खत्म हुए 4-5 महीने हो गए, हम पता नहीं किस खुशी में रोज शराब पी रहे हैं। रोज रात को चीयर्स टू लाइफ। कोई लाइफ नहीं है हमारी, डिस्पोजेबल ग्लास से तो चीयर्स कर रहे हैं। कितनी बार तो चीयर्स करने में फटके गिर जा रहा हूँ नीचे। अरे भाई इन सब के बीच में कॉमेडी कहाँ है, जोक्स कहाँ है? सच बताना इन सब के बीच में तुम लोग बस्ती को देख के हंस रहे हो ना। और मुझे पहली बार पता चल रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी में जोक्स नहीं होता। जैसे हर लड़की की जिंदगी में एक लड़का होता है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत, पर वो उसको फ्रेंड जोन कर देती है और पूरा दिन रोती रहती है कि मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता यार। फ्रेंड जोन इसलिए करती है क्योंकि लड़का तो चूतिया होता है, उसको नहीं पता कि समंदर में मछली कितना है। जब मछली बहुत ज्यादा हो ना तो एक मछली के पीछे नहीं भागते, पर लड़का भी जब तक चूतिया ना कटा लेना तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता। मतलब समझ रहे हो, एक बार लाइफ में चूतिया कटवाना जरूरी है। तो तुम लोग पॉजिटिवली लो, बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लॉन्डो, सच बताना तुम सबने बचपन में बिस्तरगिली करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा भी आ रहा है तो हम बहा देते हैं उसको। भाई ऑब्जर्वेशन है या एक्सपीरियंस है, इतना डिटेल में बता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे साथ अभी भी हो रहा है। लड़कों ने केले का नाम खराब कर दिया, पता है? केला पता है क्या होता है मैम? केला क्या होता है? केला बनाना होता है। वाह। नहीं केला को केला बोलने में इतनी हंसी क्यों आ रही है? और हाँ भाई केला बनाना नहीं, ये तो क्या मैंगो है? अच्छा फ्रूट है, ठीक है नॉर्मल। भाई केला फ्रूट है, ठीक है केला खाओगे? अब केला केला नहीं रहा, कोई खा नहीं सकता, पब्लिकली तुम केला खा सकते हो। भाई केला खाने में प्रॉब्लम क्या है? अब तुम लोग हर चीज को सेक्सुअलाइज करोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। सिचुएशन इतना खराब हो गया कि अब ये लोग हर चीज को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। और हाँ भाई ये चीज फनी तो कहीं से नहीं लगता, पर कर भी क्या सकते, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अब केला को केला नहीं बोल सकते। देख लो अब स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडी नहीं है सिवाय एक आध को छोड़ के, पर वो भी बॉलीवुड की तरह है, फेमस वही होते हैं जिनका टैलेंट नहीं होता। को पैसा बर्बाद। तो ये वीडियो भी हंसी है मजाक है, तो ऑफेंड मत हो जाना, ये भी एक कॉमेडी है, इसको भी तुम लोग एंजॉय करो। तो बस ये वीडियो यही एंड कर रहा हूँ, और तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, ऐसा कंटेंट आता रहेगा। अब जाता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जोक्स लिखना है। मजा आएगा ना भिड़ो।